पाकिस्तान के हिस्से में नया रिकॉर्ड है जनाब, क्योंकि तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में दो कांसे के तमगे अपने नाम कर लिए। मुदसर जबरदस्त हो गया जनाब। वर्ल्ड एमएम चैंपियनशिप थाईलैंड में मुनक्किद हुई थी, जिसमें हीरो पाकिस्तानी एथलीट्स आसिम खान ने 56.7 किलोग्राम और हमारे दूसरे हीरो पाकिस्तानी शाहजेब खान ने 83.9 केजी में पाकिस्तान के लिए कांसे का तमगा अपने नाम किया। और ऐसा पहली बार हुआ कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स में पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो कांसे के तमगे जीत लिए हैं। आज ये दोनों हीरोज हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम बात करते हैं। शाहजेब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। शाहजेब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खैर मुबारक, जज़ाकअल्लाह। कैसा महसूस हुआ था जब ये तमगे मिले थे आपको? बिल्कुल प्राउड फील हुआ कि पाकिस्तानी की इस लेवल पे हमें ये सिल्वर मेडल हासिल हुआ। और अच्छा शाहजेब, ये बताइएगा, आप बताइएगा आपकी फाइट, कितनी फाइट्स के बाद आप जो है वो कांसी के तमगा तक पहुंचे हैं और किस किस के खिलाफ फाइट रही आपकी, और कौन सी जबरदस्त फाइट जो आपको भी याद है अभी तक कि यार ये तो कमाल हो गया? बिल्कुल, मैं स्पष्ट फाइट मेरी हुई स्पेन के साथ, जो कि प्री क्वार्टर फाइनल थी। अच्छा, उसके बाद क्वार्टर फाइनल जो कि यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ हुई, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे राउंड में अमेरिका को भी हरा दिया आपने। उसके बाद जी तीसरी फाइट हुई चेक रिपब्लिक से मेरी, जबरदस्त। और फाइनल? जी जी, फाइनल तो जो मेन फाइट थी जिसमें मैं मतलब तमगा ब्रॉन्ज मेडल हुआ, तो वो चेक रिपब्लिक के साथ। अच्छा, चेक रिपब्लिक के साथ। किसी मौके पर ऐसा लगा कि हावी हो रहा है सामने वाला, या फिर थ्रू आउट आपने नॉकआउट ही किया जबरदस्त तरीके से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यूएसए को तो लॉक सबमिशन किया, उसने टेप आउट किया, और जो स्पेन वाला था उसके साथ मैंने तीन राउंड के लिए, तीनों राउंड ही उसको मैं मारता रहा। सही, तो ये हमेशा जब आपका ये फाइट होती है, मुझे तो खैर देख के वो खासा आप लग रहे होते हैं कि लोहे के बने हुए हैं या पत्थर के बने हुए हैं आप लोग, जिस तरह से मिक्स मार्शल आर्ट में आप खेल रहे होते हैं, ये डर खौफ नहीं है? क्यों ये शुरू किया आपने इस किस्म का खौफनाक किस्म का खेल? ये बचपन से ही है, मुझे जो ना मार धाड़ का ज्यादा शौक था। अच्छा, गलियों में मोहल्ले में लड़ते रहते थे। अल्लाह। तो माँ बाप ने कहा कि आपको एक अच्छी जगह हम डाल लेते हैं, ये चीजें एक पॉजिटिव जगह में इस्तेमाल करें। हाँ। तो मुझे वहाँ एकेडमी हमारे उस्ताद इमरान कासिम साहब के पास भेजा उन्होंने, तो वहाँ जाके मैं छोटा छोटा 2016 की बात कर रहा हूँ। सही, तो मैं तो ऐसा मतलब बार पड्डे के लिए सीख रहा था कि मैं और पड्डे करूंगा। वो अम्मी अबू ने कहा होगा कि भाई इन्हें कुटन का शौक है, तो बेहतर है प्रोफेशनली कुटना शुरू कर दे, बजाय इसके कि हमारे घर मोहल्ले से लोग आए कि भाई आपके बच्चे ने पिटाई कर दी। भाई मोहल्ले से पहले शिकायतें आया करती होंगी, अब मोहल्ले से मुबारकबादें आती हैं कि शाहजेब ने इतना जबरदस्त काम किया। ऐसी ही बात कि फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू किया, मैंने सीन लेवल पे, कराची लेवल पे जो कि डिस्ट्रिक्ट, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी, तो मेरा दिमाग उस वक्त से फिर बाहर, मैंने कोई पड़े लड़ाई नहीं थी। फिर नेशनल लेवल पे गए, नेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस आई। अच्छा शाहजेब, थोड़ा सा बताइएगा कि आप ट्रेनिंग कितना टाइम करते हैं, आपका डाइट प्लान क्या है, कितनी मेहनत करते हैं, जरा बताइएगा, जो आप कितना मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं वो सुन रहे होंगे इस वक्त। जी जी, डाइट और जो ट्रेनिंग है हमारी 2 से 3 टाइम होती है। अच्छा। एक मॉर्निंग में रनिंग, लॉन्ग रनिंग ट्रैक 8 से 10 किलोमीटर, वहाँ स्पीड रनिंग और जो स्प्रिंट्स होते हैं, और पहाड़ों पर रनिंग जो कि हम पार के वहाँ पर करते हैं, हमारे उस्ताद हमारे साथ लगे होते हैं, और असर के टाइम भी हम कर लेते हैं जब ज्यादा कैंप करीब हो जाते हैं, कैंप लगते हैं हमारे। अच्छा। और मगरिब में, मगरिब से लेके 11 बजे तक हमारे क्लब में ही होते हैं, अपना हमने अखाड़ा बनाया हुआ है देसी। सही। उसमें भी हम करते हैं, और डाइट तो हमारी चलती रहती है, बादाम पिस्ते काजू वगैरह, और दूध भी चलता है हमारा, जो हमारा अपना पर्सनल दूध है जो हम यूज करते हैं, अच्छा दूध है जो गोड प्योर के नाम से, गोड प्योर फॉर्म, वो भी एक बहुत अच्छा जिसमें विटामिन सब प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है मकदार में। सही, बकरी का दूध। अच्छा, ये तो आपने बताया, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं स्प्रिंट लगाते हैं, लॉन्ग रनिंग होती है पहाड़ों पर, तो आपने कौन सी कोई एथलीट ये रनिंग के लिए बनना है, को 100 मीटर करनी है, आपने तो फाइट करनी, तो इसके लिए रनिंग की क्या जरूरत होती है? देखिए रनिंग बहुत जरूरी होती है,
और रनिंग वो कहते हैं ना कि रनिंग इज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स, तो इसलिए रनिंग और स्टेमिना के लिए बहुत जरूरी है रनिंग। रनिंग स्टेमिना स्ट्रेंथ, स्प्रिंट तो बहुत पूर्ति के लिए होते हैं, क्योंकि जो स्प्रिंट आप तेज मारते हैं तो आपके अंदर एक करंट आता है, उसमें बहुत फायदा होता है आपको फाइट रिंग में देने। अच्छा मुझे बताइएगा स्पोर्ट्स बोर्ड कितना सपोर्ट कर रहा है, और अभी जब आप इवेंट्स के लिए जाते हैं तो स्पॉन्सरशिप्स के लिए क्या मामलात होते हैं या फिर अपने बिहाफ पे ही करते हैं? देखिए स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो कोई वो नहीं करता, हमें जो करते हैं पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन है, जुल्फकार अली साहब वो करते हैं, और कुछ जो स्पॉन्सर तो ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह गॉड प्योर फार्म ने हमें स्पॉन्सर किया, जो कि एक बहुत अच्छा दूध देते हैं, अच्छे बकरी का दूध, और उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, और कुछ पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन ने सब स्पॉन्सर किया, इसी में हम गए, वरना हम ये तमगे हमारे गले में ना होते। ये बड़ा आलमिया है सहरिश, हम रोजाना की बुनियाद पे हमारे साथ पाकिस्तान के हीरोज़ होते हैं। अच्छा वो हीरो पाकिस्तान के कहला रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चाहे वो ओलंपिक एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, और पाकिस्तान में मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, नेशनल कंपनीज़ हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए और ओन करना चाहिए कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, आपके अपने जो स्पॉन्सरशिप है वो बैजेस होने चाहिए उनकी शर्ट्स पर, तो उनको कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर इनकी इस तरह सपोर्ट होगी, बहुत कम सपोर्ट में वो कांसे के तमगे ले आए हैं, और अगर सपोर्ट बढ़ेगी तो मेरे ख्याल है गोल्ड से भी ऊपर के कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शाहजेब एक चीज़ में आपसे यहाँ पर जी शाहजेब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, अगर इसी तरह सपोर्ट हमें मिले, जिस तरह बाहर मुल्क वाले को जो आए हुए थे, हम सारे दोस्त ही बन गए हमारे, उनसे हमने पूछा कि क्या 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 मामलात होते तुम्हारे, तो उन्होंने कहा हमें तो बहुत स्पॉन्सर, उस समय तो किसी चीज की खबर ही नहीं होती, हमारे टिकट हुए होते, हम तो यहाँ रुल रहे होते, एक के पास जाते हैं भाई स्पॉन्सर करो स्पॉन्सर करो, दूसरे के पास जाते हैं, हम आर्ट एथलीट्स आने थे, लेकिन स्पॉन्सर ना होने की वजह से वो चेहरे गए, हमें जिसने स्पॉन्सर किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको हमें अगर और मेडल्स भी आ सकते थे इसी में। चले शाहजेब, इस वक्त हमें आसिम भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी वहीं पर मौजूद थे, वो भी हमारे हीरो हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। आसिम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मुझे बताइएगा जब आपको नवाजा गया बेहतरीन परफॉर्मेंस पर इन तमगों से, तो उस वक्त क्या जज्बात थे? क्योंकि मैंने अक्सर मैं एथलीट से सुनती हूँ कि जब पाकिस्तान का परचम आता है ना, तो बस आंखों में आंसू होते हैं, हम वो खुशी के लम्हात अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, ऐसा ही है? बिल्कुल, प्लेयर के लिए एक यही लम्हात चाहिए, क्योंकि जब आपको मेडल पहनाया जाता है और आपका परचम लहराया जाता है, बस प्लेयर और चाहता ही क्या है, चाहता ही कि मेरा परचम ऊपर हो और मुझे ये मेडल ही, बाकी प्लेयर को तो कुछ मिलता ही नहीं है सिवाय मेडल के और ये अपना झंडा ऊपर करने से। बिल्कुल ये फीलिंग ऐसी होती है कि नाकाबले बर्दाश्त होती है। अच्छा आसिम एक चीज़ जो अभी आपने बात की है, मुल्क के लिए बड़ा एज़ाज़ होता है, आपके लिए एज़ाज़ होता है, लेकिन रिवॉर्ड बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जीते हैं, कामयाब हुए हैं, फिर आप लोगों के तो इस किस्म की स्पोर्ट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका आसिम क्या सोचते हैं कि यार ये मैंने ये काम तो शुरू कर दिया है, खाना पीना भी तो है, घर भी तो चलाना है, इस किस्म की स्पोर्ट्स में क्यों आए थे, क्या सोचा था उस वक्त? ये तो बचपन से ही मेरा शौक था, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं आता कि मैं इससे पैसे कमाऊं या कुछ, और बस मुझे एक शौक था कि मुझे बस आगे जाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अच्छा जेब तो कह रहे थे मोहल्ले में मैं बड़ी बचपन में लड़ाइयां करता था, तो मेरे घर वालों ने इधर डाल दिया कि इसकी ये जो एग्रेसिवनेस है ना वो किसी पॉजिटिव काम में लाई जाए। आप भी क्या बचपन में कोई लड़ाई शड़ाई करते रहते, झगड़े करते? लड़ाई तो ये एक ऐसा काम है कि हमारे जो जिन लोगों ने ये गेम किया नहीं होता है वो ये सोचते हैं कि अगर इसमें हम लोग डालेंगे तो बच्चा और भी खराब हो जाएगा, क्योंकि ये तो किक पंच सीख लेगा, हर किसी को मारेगा या बार लड़ाई झगड़े, ये ऐसी चीज है कि जो लड़ाई करते हैं और जो इसमें आ जाते हैं बिल्कुल टंडे हो जाते हैं। अच्छा मुझे लगा आप ये कहने लगे कि जहाँ तक लड़ाई झगड़े की बात है तो आपका भाई हाजिर है हर वक्त ना, मुझे ऐसे लगा कि आप ये कहने वाले। अच्छा मुझे ये बताएं, अरे नहीं वाकई जाहिर है कि आपका एक पैशन होता है, जाहिर आप जब वो काम करते हैं अगर आपको शौक है तो आप फिर अचीव भी करते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। अब जरा फाइट का बताएं, जो आपकी फाइट रही किससे रही, कैसा मुकाबला था और किस तरह खेल पेश किया, और जो सामने वाला था वो कोई हावी तो नहीं हुआ आप पे दरमियान में किसी वक्त?
नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हेवी तो नहीं हुआ, तीसरे राउंड तीनों राउंड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ही रहा और तीनों राउंड मैंने अपने नाम ही किए। पहली फाइट जो थी मेरी किर्गिस्तान के साथ थी, अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन की। सेकंड फाइट जो थी वो थाईलैंड के साथ थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन की। कजाकिस्तान के साथ जो मेरी सेमीफाइनल थी वो मेडिकल इशू की वजह से मैं फाइट नहीं खेल सका, तो इस वजह से मेरी सेमीफाइनल रह गई। तो ब्रॉन्ज मेडल मेरा टारगेट जो था वो गोल्ड पे था, मगर अल्लाह ने जो लिखा था वही नसीब में था। तो अभी आसिम जब आप लोग वापस आए तो फिर आप लोगों को एयरपोर्ट पे कौन रिसीव करने आया था? घर वालों के अलावा कौन होगा? घर वालों सब जितने भी है, मोहल्ले वाले, घर वाले, क्लब वाले, जितने भी फ्रेंड्स है, अभी भी हमें इतने मैसेज आ रहे हैं कि कब आ रहे हो, हमें टाइमिंग बताओ, आप कब पहुंच रहे हो। फेडरेशन की तरफ से, स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल्स आए थे? अभी तो वापसी वो है। तो है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट सर जुल्फिकार का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोगों को छोड़ने आए थे, छोड़ने कि आप खेलने जा रहे हो? जी जी जी, जरूर 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 आए थे। और जो तीन मरतबा हमें ये प्लेटफॉर्म पर लाए और हमें ये दिखाया, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस चाहिए था। आपको जब प्लेटफॉर्म मिलेगी आप एक्सपीरियंस लोगे, सही। अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा अच्छा, क्योंकि आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो। बिल्कुल अच्छा आसिम, आप शाहजेब जब होता ही है कि आपस में भी फाइट्स होती हैं आपकी यहाँ पर जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई लड़ाई शड़ाई यहाँ भी होते हैं? हाँ आपस में होती है, मगर शाहजेब का वेट डिफरेंट है, मेरा वेट डिफरेंट है। मैं 56 में खेलता हूँ, शाहजेब जो है वो 83 में अभी इस बार खेले, तो इसके पंचीज और किक बहुत भारी होते हैं। मैं जब ये मारते हैं तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है क्योंकि इसके बहुत भारी होते हैं। सही। अच्छा वैसे शाहजेब काफी देर से खामोश बैठे हुए, शाहजेब मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया, वासिम ने तो बताया कि उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने छोड़ने आए और इस तरह कह रहे हैं बड़े सही मामलात हैं, आप बताइएगा आपको कोई छोड़ने गया ऑफिशियल्स में से किसी ने, या फिर नहीं वो ये भी नहीं किया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वो छोड़ने तो आए ऑफिशियल्स, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हमें हमारे साथ आए, जुल्फकार अली साहब हमारे उस्ताद, हमारे टीममेट्स सब हमें छोड़ने गए, और इंशाल्लाह अब भी सब इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग कब आएंगे। हुकूमत सपोर्ट करे ना करे लेकिन अपने लोग तो करते हैं। बिल्कुल ये अच्छी बात है, अपने तो फिर साथ होते हैं। अच्छा एक शाहजेब मुझे बताइए कितनी उम्र में बच्चों को इस गेम में लाना चाहिए, और जब बच्चों को लाया जा रहा है तो क्या पेरेंट्स के जेहन में क्या होना चाहिए प्लान? देखें बच्चों को मोहल्ले में या मोबाइलों में घुसने से अच्छा है कि किसी अच्छी जगह डालें, क्योंकि जो माहौल खराब होता है आजकल के टाइम पे, और जो मतलब आपको पता है जो लोग आते हैं फजूल के लोग इधर उधर, वो अपना टाइम खराब करते हैं बिल्कुल शाम और इसके टाइम, इस टाइम हम क्लब जाते हैं जो कि हमारा फालतू का टाइम बच जाता है, हमें अच्छी चीज़ मिलती है, और हमें वहाँ एक ज़हनी तौर पर इस्लामी तौर पर एक तालीम होती है वहाँ पर हमारी, कि सिर्फ मार दाड़ी नहीं है जिंदगी में, जिस किस तरह चलना है आपने, क्या करना है, किस तरह सरवाइव करना है, ये सब सिखाई जाती है आपको, ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है, दीनी तौर पर और खेल के तौर पर भी तैयार किया जाता है। इसी तरह बच्चों को लोग 7 साल की उम्र में लाएं ताकि 7 से 8 साल हो वो खेलता रहें, उसमें कूदता रहें, और आहिस्ता आहिस्ता वो दिमाग उसका बने कि मैंने भी एक दिन पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम भी जब गए थे तो हम इस नज़र से गए थे कि हमें एक शौक था कराटे सीखने का, हमने देखा था लोगों को कि कराटे करते हैं कराटे, लेकिन हमने ऐसा प्रोफेशनल नहीं किया था कि हम प्रोफेशनल बनेंगे और एक दिन वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। सही। अच्छा एक तो ये होता है आसिम के शौकिया खेला जा रहा है बस टाइम पास के लिए, थोड़ा बहुत शौक है तो लड़कों का रुझान होता है वो क्लब्स को ज्वाइन कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए भी, ये मुकाबलों में खेलने के लिए आप कैसा रुझान देख रहे हैं नौजवानों का खासतौर पर इस खेल को लेके? देखें आजकल जो नौजवान हैं वो इधर उधर के नशे वगैरह में चले जाते हैं, या तो सिगरेट पीते हैं या और बहुत बड़े बड़े नशे करते हैं, तो वो बहुत कम आते हैं वो लोग, लेकिन वो जो हमारे पास आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे लड़कों को मैंने देखा कि वो बड़े बड़े नशे करते थे, लेकिन आज माशाल्लाह वो एक अच्छे इंसान है, एक माँ बाप को एक अच्छे बच्चे मिले हैं, तो हमारे उस्ताद ने उनको लुटा दिया उनके बच्चों को ऐसे समझ लिया, क्योंकि पहले उनसे गायब हो चुके थे वो, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे होते थे, वो सिगरेट वगैरह पीते थे, माँ बाप को मिलते ही नहीं थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ बाप जो अब देखें इस फील्ड में उर्दू स्पीकिंग बच्चों को लोग लाते हैं दूर दूर से, 20-20 किलोमीटर दूर से लाते हैं, कह रहे हमें इस जैसी जगह कहीं नहीं मिली,
क्योंकि उनके बच्चे उनको मिल जाते हैं, एक अच्छी परवरिश हो जाती है, एक अच्छी वो मोटिवेट हो जाते हैं, जो तालीम होता है शऊर उनको मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा आसिम, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि बच्चों के हवाले से कहा जाता है कि वो चोट ना लग जाए, 7 साल जैसे शाहजेब कह रहे, 7-8 साल का बच्चा जब वो फाइट करेंगे चोट लग जाएगी। आजकल के बच्चे भी थोड़ा नाजुक होते हैं, माँ बाप भी डर रहे होते हैं, तो ये फाइट तो चोट लगने वाली, ये गेम स्पोर्ट्स तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो के बच्चे आए दिन हम डॉक्टरों के पास ले जा रहे हों, तो ये क्या इतनी खौफनाक स्पोर्ट्स है? नहीं, असल में ये होता है कि कुछ नए लड़के आते हैं ना, तो डायरेक्ट पहले दिन बोलते हैं कि हमें फाइटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये इस तरह होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपका चलता है, क्योंकि पहले आप पंच सीखते हैं, फिर किक सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर हम लड़के को चेक करते हैं, फिर हम हल्का हल्का स्पायरिंग कराते हैं, लाइट स्पायरिंग, फिर उससे आपकी बॉडी, अगर हम अचानक जोर डालेंगे आपकी बॉडी इतनी सख्त नहीं होती और जो आपने सीखा नहीं होता है, क्योंकि आपको छोट जाहिर सी बातें लगेगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आज हम लोगों ने थोड़ी सी लाइट स्पायरिंग की, कल थोड़ी सी ज्यादा, फिर थोड़ी सी लाइट, फिर कल थोड़ी सी, इस तरह हम लोग चलाते हैं। तो ये है कि स्पोर्ट्स को उसी तरह से ग्रेजुअली लेके आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया आसिम आपका भी, शाहजेब आपका भी बहुत शुक्रिया, वंस अगेन आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।